हेलो नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में संख्याओं को स्थान के आधार पर पढ़ना सीखा है, तो अब हम आगे चलेंगे। अभी अपने प्रदेश में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया। मान लीजिए, यदि वृक्षारोपण कार्यक्रम में अपने जनपद में यदि 9 लाख पौधे लगाए गए, तो इस 9 लाख को हम संख्याओं में किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लिखते हैं 9, और 9 लिखने के बाद 5 जीरो बढ़ा देते हैं, और इस तरीके से हम लिख देते हैं 9 लाख। अब बच्चों, यदि हम 9 को 6 बार लिखें, तो आप इस 6 बार लिखे 9 को कैसी संख्या कहेंगे? हम कहते हैं कि ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यदि हम इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 जोड़ें, तो हमें कैसी संख्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी ऐसी संख्या जो 7 अंकों की होगी। और इस 7 अंकों की संख्या को हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि यह 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और इस 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम कितना पढ़ेंगे? 10 लाख। कितना पढ़ेंगे? 10 लाख पढ़ेंगे। अब आप बताएंगे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? आप वीडियो को पॉज करके इसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अब ये 2 प्रश्न हैं। आप इन 2 प्रश्नों के संख्याओं को पढ़ेंगे और पढ़ करके इनको शब्दों में लिखेंगे, और इन संख्याओं को शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे स्थानीय मान और अंकित मान।